श्री हरि शरणम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलयां गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मनि। भूयो नमः सद्वृजिनत्सिते सताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमिं व्यवस्थितानामनुमृगदासुसीं। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वतं विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुजोगिनां निरस्तसाम्याति स्वयेन राधसा स्वधामनीं ब्रह्मणि रंसते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। द्विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगं युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्रमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलीन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायमनाः खसादयः येन्ये च पापा जदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शेष आत्मा त्वभतामधीश्वरम् स्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्जज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दगवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। जदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतयां धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं सामे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्मता यस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् क्रीडास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्जयिमः पुरो विभूत् निर्मायसे ते जदुमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः स्वोलङ्तु शिष्ट भगवान् वचांसि मे।
नमस्तस्मै भगवती वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। एतद्देवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छति वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज और तम ये तीन गुणों रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, और जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्जामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों का तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी दानी जसस्वी मनस्वी सदाचारी और मंत्रवित्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेदमूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्ममूर्ति हैं, और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपनी अनुग्रह की प्रसाद का वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं,
जिन्होंने जदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णी और जदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र सहारे रहे हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं, और पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण और मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था। श्री हरिशरणम्।